बांका जिला में एक विवाहिता की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। मामला टाउन थाना क्षेत्र की रागनिया दुधारी की है, जहां आपसी विवाद को लेकर पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर 30 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी। मृत महिला की पहचान मदन यादव की पत्नी नीलम देवी के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है, मृत महिला की जेठानी अक्सर गलत आरोप लगाती थी, इसको लेकर बहस भी हुई थी। 11 जुलाई की सुबह पति मदन यादव कोलकाता से घर पहुंचा था। इसी दिन रात को महिला के मायके सोनारी फोन कर बीमार होने की जानकारी दी। 12 जुलाई को जब मृत महिला के भाई ने फोन किया तो सभी का स्विच ऑफ आ रहा था। नीलम देवी के मायके वाले जब सोमवार को पहुंचे तो उसका शव पड़ा हुआ था और ससुराल वाले घर से फरार थे। इसकी सूचना टाउन थाने को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक क्या कौन है? उसका भाई नहीं, भाई है, चचेरा भाई है, चचेरे भाई है। तो यानी कि कैसे इनको यानी कि मारपीट किया गया इनके साथ में? इसका सर सब ससुर वाला सब मारपीट किया गया है। रात को 8 बजे फोन किया था जो आपका लड़की का तबीयत बहुत जोर से खराब, फिर हम लोग फोन लगाए तो लड़का वाला जो था मेरा जीजाजी लगेगा वो फोन नहीं रिसीव कर रहा। फिर आधा घंटा के बाद फोन किया, बोला जल्दी आइए, लड़की शेष हो गई। तो हम लोग आए तो घर में देखे वो लाश पड़ा हुआ था, घर में कोई आदमी नहीं था। कोई आदमी नहीं था घर में? नहीं था। तो यानी कि मृतक के पति कहाँ रहते थे? वो कलकत्ता में रहता था। 11 तारीख को शायद कलकत्ता से आया था। 12 तारीख को डेथ हो गया? 12 तारीख को रात को डेथ हो गया। 12 तारीख को डेथ हो गया। इनके ससुर का क्या नाम है? इतवारी यादव। इनका घर कहाँ पड़ता है? रंगनिया। रंगनिया ससुराल हुआ। और इनका मायके? मायके सोनारी। सोनारी मायके। यानी कि आप लोग को क्या मामला क्या लगता है? आप लोग मामला उसको वही घर वाला सब झमेला किया उसको। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के मादाचक गांव के समीप बालू लदी एक ट्रैक्टर समेत चालक को गिरफ्तार कर थाना परिसर लाया गया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि अवैध घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था, तभी एक बालू लदी ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन लेकर भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार चालक सीमरपुर गांव निवासी रोहित कुमार बताया गया। जब ट्रैक्टर के संबंध में खनन पदाधिकारी को सूचना देते हुए कार्रवाई की जा रही है। शहर में आए दिन झपटमार गिरोह में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिस कारण आम व्यवसायियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। ताजा मामला सोमवार के दिन देखने को मिला। सोमवार के दिन 3:30 बजे कौशलपुर गांव निवासी चंदन कुमार चौधरी अमरपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे निकासी करने गए थे। मामले को लेकर चंदन चौधरी ने बताया कि उसका छोटा भाई पवन कुमार चौधरी रानी किता गांव में ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। उनके द्वारा दिए गए चेक से 4 लाख एवं अपने खाते से 40,000 रुपये की बैंक से निकासी की। सारा रुपया एक थैला में रखकर अपने गाँव कौशलपुर जा रहे थे। अमरपुर बस स्टैंड पुल के आगे ऑटो स्टैंड के समीप सड़क जर्जर होने की वजह से अपनी बाइक में ब्रेक लगाई, तभी पीछे से एक काली रंग के पल्सर पर सवार 2 युवक आए और उनका रुपयों से भरा थैला झपटकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मैं शोर मचाते हुए झपटमारों का बिसंबर चक गांव स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री तक पीछा किया, अचानक हमारी बाइक बंद हो गई, जिस कारण पल्सर सवार झपटमार फरार होने में कामयाब हो गया। इन्होंने बताया कि पीछे बैठा युवक मास्क लगाया था, जो बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रहा था। मामले की लिखित आवेदन थाने में देते हुए पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। सभी जगहों पर लगी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा, जल्द ही झपटमार गिरोह सलाखों के पीछे होंगे। बताते चले, 3 दिन पूर्व ही शहर के व्यस्त मिला के पुरानी चौक के समीप झपटमार गिरोह के सदस्यों ने दिन दहाड़े स्टेट बैंक से निकासी कर रहे युवकों की बाइक का डिक्की तोड़कर 1.5 लाख रुपये लेकर फरार हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ आम व्यवसायियों ने बताया कि अधिकतर लूट की घटना स्टेट बैंक से निकासी कर रहे जा रहे लोगों के साथ घटित हो रही है। इसका मतलब साफ है, झपटमार गिरोह के सदस्य स्टेट बैंक के आसपास ही मंडराते रहते हैं। पुलिस अगर बैंक के आसपास मंडरा रहे युवकों पर सख्ती से पेश आए तो जल्द ही झपटमार गिरोह का पर्दाफाश हो जाएगा। अमरपुर स्टेट बैंक से 2 खाता से 1 खाता से 4 लाख रुपया, 1 खाता से 40,000 रुपया निकाल के आ रहे थे अपने मोटरसाइकिल से। पीछे से इस जगह पर जैसे पहुंचे, पीछे से पल्सर से 2 आदमी आया और मैंने एक आदमी पीछे बैठा वाला आदमी खोला झपट के और निकला। तो हम आवाज़ देते रहे और उसके पीछे हम अपना बाइक लेके बहुत दूर तक चलते रहे, तब तक जो है मैंने गाड़ी हमारा रिजर्व लग गया, जिसमें कि 4,40,000 रुपया वो लेके भाग गए। अब हमारा छोटा भाई पवन कुमार चौधरी, जिसके अकाउंट से 4 लाख रुपया निकाले थे, जो ग्राहक सेवा केंद्र रानी किता में चला था, और 40,000 रुपया हम अपने पर्सनल खाता से निकाले थे,
जो कि हमको पर्सनल काम था, मैंने बीज वाले को पैसा देना था, मछली का बीज आ रहा है, वो 4,40,000 रुपया जो है वो लोग लेते हैं। किस कलर का पल्सर था? ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर का था। कितना आदमी था उससे? वो लोग दो आदमी था, अब पीछे जो बैठा था वही माना वो बैग लेके। किधर भागा? वो इंग्लिश मोड़ के तरफ, हम पेट्रोल टंकी से आगे तक उसके पीछे पीछे गए, तब तक जो है रिजर्व। बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र की भितिया पंचायत अंतर्गत कारी पहाड़ी में जमीन विवाद को लेकर सोमवार को जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक गुट ने बम मारकर दूसरे गुट के एक सदस्य को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जख्मी को इलाज के लिए बांका भेजा गया। इधर उक्त मामले में जख्मी के पुत्र सारजीत कुमार ने दूसरे गुट के 4-4 सदस्यों पर बम लाठी खंती एवं अन्य हथियारों से जान मारने की नीयत से जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार जख्मी उक्त गांव के साहब यादव है, जबकि आरोपी उसी गांव के ही उमेश मेहता, कुलदीप मेहता, श्रवण मेहता एवं सुरेंद्र कुमार को बनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों में बरसों से तनातनी चल रही थी। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने कहा कि उक्त मामले में दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पंजवारा थाने की पुलिस ने एएसआई मुकेश कुमार सिंह की अगुवाई में सोमवार की सुबह क्षेत्र के माराटीकर गोविंदपुर ग्रामीण पथ से अवैध शराब की खेप लेकर बाइक से झारखंड से बांका जा रहे एक तस्कर को विक्रमपुर मोड़ के पास पुल पर धर दबोचा और उसके पास से देसी और विदेशी शराब जब्त कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बांका थाना क्षेत्र के बांका शहर के विजय नगर मोहल्ला निवासी मुकेश शाह पिता पप्पू शाह के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने 15 बोतल रॉयल स्ट्रांग ब्रांड का विदेशी शराब और 70 बोतल बंगाल निर्मित कैप्टन ब्रांड का देसी शराब जब्त कर लिया है और तस्करी में प्रयुक्त बुलेट बाइक को भी जब्त कर लिया है। युवक पर मद्य निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर बांका भेज दिया गया है। भागलपुर हजडिया के खूनी सड़कों पर मौत का तांडव जारी है, खून की प्यासी सड़कों ने फिर एक व्यक्ति की जान ले ली है। सोमवार को दो अलग अलग जगह सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि तीन लोग जख्मी हो गए। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे रजौन प्रखंड अंतर्गत टेकनी मोड़ के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत व एक युवक जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार रहीम डी निवासी करीब 55 वर्षीय कैलाश दास और करीब 23 वर्षीय पंकज कुमार दास दोनों एक ही बाइक से सवार होकर टिकनी गांव से वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर सामने से टिकनी मोड़ के समीप बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मौके से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही रजौन पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायल व्यक्तियों को परिजनों की मदद से रजौन स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टर मोहम्मद कलीम ने उपचार करने के बाद रहीम डी गांव निवासी 55 वर्षीय कैलाश दास को मृत घोषित कर दिया। वहीं 23 वर्षीय पंकज कुमार दास जख्मी का इलाज रजौन स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। दूसरी घटना संझा के समीप टेम्पो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में ढाका मोड़ कृष्णा डी निवासी श्रवण कुमार व गुड़िया देवी बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही रजौन पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों जख्मी को रजौन स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार करने के बाद बताया कि श्रवण कुमार के पैर में गंभीर चोट लगने से दोनों का पैर टूट गया है। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों घायलों को भागलपुर के मायागंज रेफर कर दिया गया।